स्टैंड फॉर नूपुर शर्मा, लेट अस स्पीक। कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज भाई ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, ये पहली इंडिया जो है वो बाजी हारा है। पहली चीज तो ये कि जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था जो नूपुर शर्मा की तरफ से हुआ, ये अनफॉर्चुनेट था और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वन बाय वन आता हूँ। पहली चीज, लोगों ने बोला कि इंडिया प्रेशर में आ गया और कतर के और कुवैत के और सऊदी के प्रेशर में आ गया, इसलिए इंडिया ने नूपुर शर्मा और जो दूसरा बंदा था उसको निकाल दिया। मुझे नहीं हो सकता है प्रेशर भी हुआ हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लार्जली टुवर्ड्स द डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने गुस्से का इजहार करा है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये बात है। ये थोड़ा सा लंबा मेरा आंसर होगा, विद योर परमिशन शिवा साहब, आपकी इजाजत हो। शिवा साहब, दो चीजें हैं। जो इंडिया जब हम राफेल खरीद रहे थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम रशिया कि हमारे 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं और आप सुखोई खरीदें, आप मिग खरीदें, आप राफेल क्यों खरीद रहे हैं। तो हमने फिर राफेल खरीदे। जब हम S-400 खरीद रहे थे तब अमेरिका से बहुत जबरदस्त प्रेशर था। जब हम सिग सावर की 716 राइफल्स खरीद रहे तब रशिया से प्रेशर था। अब रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप से प्रेशर है। तो प्रेशर हर साल, तो जो मुल्क चीन के प्रेशर, जो चीन ने लद्दाख में डाला या सिक्किम में डाला, उसके सामने नहीं झुका रशिया के, अमेरिका के सामने, जो किसी का ये कहना है कि कतर के सामने झुक गया है कि कपड़े चपड़े डाल दिए उन्होंने, ये इतना आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। इसमें मामला कुछ और है, मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस कुछ और है। आप लोग तजिया कहते हो ना पाकिस्तान में, तजिया, मैं बताता हूँ, मैं तजियाकार बनता हूँ आपके लिए और मैं बताता हूँ। जी 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 जी, तो चीमा साहब ऐसा है कि दो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत बातें करी, किसी ने भी करी, नॉट जस्ट नूपुर शर्मा, वो चीज गलत है, लेकिन हमारे देवी देवताओं के लिए भी मुस्लिम स्पोक्स पर्सन बहुत गलत चीजें बोलते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वालिटी ऑफ रिलीजन भी होना चाहिए, राइट? अगर हमारे देवी देवताओं के ऊपर, और पीपल लाइक द ओवैसी फैमिली, उनका भाई, जो हमारे देवी देवताओं के लिए पब्लिक में कमेंट्स करते हैं, वो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना, वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि आप मतलब हमारे शिव जी हैं या प्रभु श्री राम हैं, आप उनकी बेइज्जती करेंगे और दिल खोल के बेइज्जती करेंगे तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और जाहिर सी बात है कि भारत का जो हिंदू है सारी सेक्युलरिज्म का ठेका उसी के पास है, इज द कॉन्ट्रैक्टर, तो झेलेगा क्योंकि आपको बोला। लेकिन जब नूपुर शर्मा, और मैं नूपुर शर्मा को जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि जो नूपुर ने करा है दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, सो लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। लेकिन जब नूपुर शर्मा कहती है तो लोग कहते हैं सर काट दो इसका, नूपुर शर्मा का सर काट दो, इसका सर काट दो, उसका सर काट दो, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि मुस्लिम्स हिंदूज को नहीं करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, और मुसलमानों को भी हमारे देवी देवताओं की इज्जत करनी चाहिए। मैंने खुद देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं उनका नाम भूल गया, अगर उनका नाम याद आएगा मैं शो में बताऊंगा उनका नाम। एक बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम वॉइस हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, सफेद सा कुर्ता पहनकर आते हैं, घुंघराले बाल हैं, थोड़ा डार्क सा चेहरा, मैं भूल जाता हूं उनका नाम। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे बोला जब राम जन्मभूमि की बात चल रही थी, ठीक है, अब हमारी आस्था जुड़ी है प्रभु श्री राम से, मेरी आस्था एज ए हिंदू जुड़ी है, वो टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि देयर वाज नोबडी कॉल्ड लॉर्ड राम, देयर इज नो प्रूफ, मेरे सामने मैंने देखा, उन्होंने बोल दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई गुड्स के ऊपर कपड़ा नहीं रखा किसी ने, कुछ नहीं हुआ, मतलब एक कैजुअल कम्युनलाइजेशन है। मैं आपको पाकिस्तान का एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी 3 दिन पहले इमरान खान की स्पीच आई कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो हिंदुस्तान में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे वो शहबाज सिंह होगा। खैर ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसको हम एज अ फन कमेंट हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं को भी गालियां देना, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें निकालना, उनकी नंगी तस्वीरें निकालना, ये बड़ा कॉमन है इंडिया में। और जो इंडिया का हिंदू है चीमा साहब, उसको पसंद नहीं आता। हम ये नहीं मानते, मैं आपको दिल से बताता हूं चीमा साहब, एंड आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड, नॉट दैट वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन, आई डू नॉट कंसिडर माय रिलीजन टू बी सुपीरियर टू योर रिलीजन। आई डू नॉट कंसिडर कि मैं हिंदू हूं और आप मुसलमान हैं तो मैं आपसे बेहतर हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुसलमान भी ये सोचे कि वो मुझसे बेहतर है क्योंकि मुसलमान है। आपका रिलीजन आपका पर्सनल मामला है, मेरा रिलीजन मेरा पर्सनल मामला है, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स,
हम लोग दोस्त हो सकते हैं, हम लोग इख्तलाफात रख सकते हैं, हम लोग बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक गुंजाइश है कि अगर मैं कभी इस्लामाबाद आऊं आप घर पे बुलाएं चाय के लिए, आप कभी नोएडा आए तो मैं आपको खिलाऊं कुछ यहाँ के लोकल खाने, मैं आपको ले चलूं, तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मजहब जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, आई थिंक देयर इज अ नीड टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस फिगर्स ऑफ ईच। और मैंने ठीक है जो टीवी स्टूडियो पे बोला वो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने एक बात नोट करी है साहब की मुस्लिम पक्ष से भी बहुत ज्यादा कम्युनल हेट्रेड आता है, और मैंने खुद देखा, मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया वो टेलीविजन पे बोल रहा है इन अ कंट्री दैट इज 82-83% हिंदू, उसमें कह रहा है कि क्या प्रूफ है, कौन सा प्रभु श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है बताइए, उस जमाने में कहां बर्थ सर्टिफिकेट होते थे, ना आप जिनको इज्जत देते हैं ना उनका था, ना हम जिनको इज्जत देते किसी का भी नहीं था, ये तो फेथ की बात है ना, ये एक आपका अकीदा है एक हमारा अकीदा है, तो हम आपस में इज्जत देंगे तभी तो आगे चलेंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना हमारी तरफ से इन द सेंस कि ना हिंदूज की तरफ से ना मुस्लिम्स की तरफ से, और ये चीज बंद होनी चाहिए। मैं इसमें तो आपकी बड़ी जस्टिफाइड बात है कि कोई भी किसी को मजहब को भी किसी के खुदा को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी के मानने वाले को नहीं कहना चाहिए, और ये हमारे कुरान मजीद में भी मौजूद है सब, ये मतलब ये अल्फाज मौजूद है, मुझे मेमोरी सर्व्स मी वेल, कि आप किसी के खुदा को बुरा बनाना, ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली है, और ये कहना मतलब बस प्रॉब्लम ये है ना कि वो बहुत सारे लोग हैं जो बस ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ये बातें कर देते हैं, नूपुर शर्मा ने भी ऐसे ही कर दी, अब उसका उनको नुकसान हुआ है, और बहुत सारे जो आप बता रहे हैं करते हैं तो डेफिनेटली उसका भी नुकसान होता है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप अपना मजहब दीन रखें, लोगों का जो दीन मजहब है उसकी भी इज्जत करें, अदरवाइज तो फितना फसाद हो जाएगा, इस तरह तो निजाम नहीं चलेगा। मैं ये तो एक होगी सिचुएशन, हाउ डू यू सी द डिप्लोमेटिक डैमेज हैज बीन डन टू इंडिया, सुनने में तो ये भी आया कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कतर में थे लेकिन वहां पर जो डिनर होस्ट होना था वो नहीं हो सका, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजर्स थे जो जिन्होंने करना था डिनर उन्होंने कहा मुझे कोविड हो गया, तो डिप्लोमेटिक डैमेज कितना हुआ, क्योंकि कभी इस तरह की जो चीजें वो नहीं आई, फॉर इंस्टेंस खाना काबा के जो कस्टोडियन है होली मास्क से उनकी तरफ से भी आ गया, सबकी तरफ से आ गया, ईरान इवन के तालिबान सब बोल पड़े, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आनी शुरू होगी, तो हाउ डू यू सी दिस इज अ डिप्लोमेटिक डैमेज टू इंडिया? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डैमेज है, ये देखिए ना ये जो बड़े बड़े महल में रहते हैं ना सऊदी वाले या यूएई वाले, ये सच्चे मुसलमान बन के बड़े महल में नहीं रहे, इन्होंने इस्लाम पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है सब, है ना, तो जो भी है ये बात ये है ना कि ये मैनेजेबल है, फॉरेन ऑफिस इस पे काम कर रहा है, और आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद ये खत्म हो जाएगा मामला, परमानेंटली वाइप आउट हो जाएगा, और फिर थिंग्स विल बी, क्योंकि मजहब का मामला कभी परमानेंट नहीं रहता, मजहब का मामला कभी परमानेंट नहीं रहता, वो दिन चले गए जब और इंडिया हैज टेकन एक्शन, जो नूपुर शर्मा को और जो दूसरे थे जो सज्जन थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके ऊपर ऑलरेडी एक्शन लिया है, हाँ जी, तो उनको उनके ऊपर एक्शन ले लिया है, अब जब उनके ऊपर एक्शन ले लिया है तो मुझे नूपुर का नाम इसलिए आता है ना कि नूपुर के जो चाचा है ना गौरव शर्मा वो मेरा क्लासमेट है, तो इसलिए मैं नूपुर को तो गौरव मेरा क्लासमेट था डीपीएस में, डीपीएस आर के पुरम में, तो नूपुर ने मुझे बताया कि गौरव शर्मा है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा नूपुर का मुझे, और डिबेट्स पे भी आई हैं एक दो बार, कहने की बात ये चीमा साहब कि इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन एक्शन, बट आई ऑल्सो वॉन्ट द मोदी गवर्नमेंट, मैं ये भी चाहता हूं कि मोदी सरकार, चलिए आपने नूपुर शर्मा पे एक्शन लिया अच्छी बात करी आपने, राइट, पर जो शिव जी के लिए प्रभु श्री राम के लिए गलत करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर हम कहते हैं सेक्युलर, अगर हम अपने आप को सेक्युलर कहते हैं चीमा साहब, फिर भी कैनॉट अपीज, बराबर होना चाहिए सबके लिए, मुसलमान गलती करे उसको टाइट करो, हिंदू गलती करे हिंदू को टाइट करो, दोनों में फिर फर्क नहीं हो सकता, और अभी फर्क करा है चीमा साहब, ये गलत है, मैं फिर कह रहा हूं आई एम नॉट जस्टिफाइंग, जो कहा गया बहुत गलत था, आई कंडेम इट, इट शुड नॉट बी डन, बट देन इट शुड बी इवन हैंडेड अप्रोच, बराबर तोलना चाहिए, वो कहते ना जस्टिस, वो जस्टिस की आंख में पट्टी होती है, बराबर तोलता है ना, तो अभी तक तो बराबर नहीं तोला, लेकिन बराबर तोलना चाहिए कायदे से, सभी को होना चाहिए, एवरीबडी।